हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, याद रखना है कि पिछले 32 वर्षों में ग्रीक रोमन अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप में रेसलर सूरज वशिष्ठ ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखना है कि कौन सा यहाँ पे खेल है, ग्रीक रोमन अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप, इसमें कौन फर्स्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। तो रेसलर हैं सूरज वशिष्ठ, इनका नाम याद रखना है। और ये देखिए पिछले 32 वर्षों में पहली बार बने हैं, मतलब इसके पहले भी एक बन चुके हैं, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है 16 वर्षीय सूरज ने 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में यूरोपीय चैम्पियन अजरबैजान के फेरम मुस्तफाएव के खिलाफ 11-0 से जीत दर्ज की। तो याद रखना है इन्होंने किसके खिलाफ जीता है, तो अजरबैजान के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है फेरम मुस्तफाएव, इनके खिलाफ इन्होंने 11-0 से ये जीत दर्ज की है। और इससे पहले याद रखना है कि इससे पहले पप्पू यादव ने 1990 में ग्रीक रोमन अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये 32 वर्षों में, मतलब पिछले 32 वर्षों से कोई नहीं जीत पाया था, तो ये किसने जीता है, तो याद रखना है सूरज वशिष्ठ ने, और वो कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है ग्रीक रोमन अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप में। तो ये देखिए, ये सूरज वशिष्ठ यही हैं जिसने ये कारनामा कर दिखाया है पिछले 32 वर्षों में। तो चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं, अगला करंट अफेयर आपके लिए क्या है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मोनार्क तितली लुप्त प्राय घोषित किया गया। ये जो मोनार्क तितली है इसे लुप्त प्राय जो है वो घोषित किया गया है। देखिए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिनका नाम है IUCN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, IUCN का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसके द्वारा याद रखना है जारी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है। किसको, मोनार्क तितली को। यह डेनोस प्लेकिस्पस तितली की एक उप प्रजाति है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह परागण और वैश्विक खाद्य प्रणाली को बनाए रखने में भी योगदान देती है। तो ये तितली का नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, नाम मोनार्क तितली, जिसे हाल ही में लुप्त प्राय घोषित किया गया है, ठीक है। और ये किसने किया है लुप्त प्राय घोषित, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने, और इसे रेड लिस्ट में डाला है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करेंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि इंद्रमीत गिल होंगे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, इंद्रमीत गिल, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो इंद्रमीत गिल हैं, ठीक है, ये कौन होंगे, याद रखना ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री होंगे जो कि एक भारतीय हैं। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया। वह इस पद पर कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लेंगे। याद रखना इनके पहले कौन थे, कार्मेन रेनहार्ट थे, ठीक है। इंद्रमीत गिल की नियुक्ति 1 सितंबर को होगी। वह विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। याद रखना इनके पहले भी एक भारतीय रह चुके हैं विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, ये दूसरे भारतीय हैं। तो वो कौन है, तो याद रखना है उनसे पहले कौशिक बसु, ये नाम याद रखना है, कौशिक बसु ने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया है, ठीक है। तो याद रखना इंद्रमीत गिल जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो याद रखना है कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लिया है। और याद रखना है कि जो इंद्रमीत गिल थे ये दूसरे भारतीय हैं, और पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखना है कौशिक बसु थे। चले अगले करेंट अफेयर का क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी ने वर्ष 2020 के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें सूर्या अभिनीत सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। सोरारई पोट्रू ने 4 सबसे बड़े पुरस्कार में से 3 अपने नाम किया है।
तो याद रखना है कि सूर्या फिल्म के लिए किसने ये पुरस्कार जीता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो राजशोरा रई पोटरू ने, ठीक है। और इन्होंने याद रखना है, इन्होंने चार सबसे बड़े पुरस्कार में तीन अपने नाम किया है। तो ये था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, तो मैंने इसको बताया। और ये 2020 याद रखना है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस का क्विज लगाते हैं, जो कि करंट अफेयर ही है और पिछला करंट अफेयर है, तो उसको आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। और एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ूंगा, जो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर क्विज। क्विज टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक अपने नाम किया। तो याद रखना है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में हाल ही में भाला फेंक स्पर्धा में जो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन सकता है। दूसरा जो क्विज क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल के सबसे कम उम्र की सदस्य का नाम क्या है। तो याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ है उसमें भारतीय दल में सबसे कम उम्र का कौन सा सदस्य है, तो याद रखना है इनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल में सबसे कम उम्र का ये सदस्य हैं। चले नेक्स्ट अगले क्विज क्वेश्चन पे चलते हैं, उनको लेते हैं। अगला दो मुख्य करंट अफेयर क्वेश्चंस ये है कि हाल ही में नासा ने किस इंद्रधनुषी ग्रह की तस्वीर साझा की है। तो याद रखना है कि हाल ही में नासा ने किस इंद्रधनुषी ग्रह की तस्वीर साझा की है, तो उनका नाम है प्लूटो। प्लूटो ग्रह का जो इंद्रधनुष तस्वीर है, इन्होंने नासा ने हाल ही में साझा किया। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, इसको याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पे अभी कम ही आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, पिछले ही दिनों बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो याद रखना है कि पिछले ही दिनों श्रीलंका के एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, दिनेश। क्विज ऑफ द वीक एक क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक की भूमिका किन दो खिलाड़ियों ने निभाई है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था, उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक में किन दो खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका निभाई, मतलब ध्वजवाहक जो थे मैन दो खिलाड़ी वो कौन थे उद्घाटन समारोह कॉमनवेल्थ गेम में। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।